हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आता है उसे प्रेस कीजिए, बाद में बेल बटन आता है उसको भी प्रेस कीजिए। आज का वीडियो है हेयर लंबे होने के लिए क्या करना है। ये है करी पत्ता। करी पत्ता हेयर फॉल को रोकने के लिए और हेयर भी अच्छे से लॉन्ग बनना चाहते हो तो करी पत्ता ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है करी पत्ता। इस करी पत्ते से हम आज एक हेयर पैक बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं और हेयर टॉनिक भी बनाते हैं। आपके हेयर लॉन्ग होना चाहते हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके तो उतना ज़्यादा करी पत्ता का यूज़ कीजिए आपके हेयर पे। हमें आप पहले ऑयल कैसे बनाना ये देखते हैं। पहले से एक मिक्सी जार लीजिए, उसमें थोड़ी करी पत्ता डालिए। करी पत्ता डाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कीजिए, पानी मत डालिए, ऐसे ही घुमा दीजिए। ये थोड़ा ड्राई वाला पाउडर जैसा ऐसे बन जाता है। करी पत्ता डायरेक्ट डाल के गर्म करने से, ऐसे पाउडर बनाकर गर्म करने से हमको ऑयल जल्दी से हीट हो जाता है। ज़्यादा देर गर्म करने की ज़रूरत नहीं है और जो भी करी पत्ता में का सारा गुण ग्रीन कलर में हमारे हेयर में सॉरी ऑयल में आ जाता है। चाहे तो एक बार ट्राई करके दीजिए। करी पत्ता सारे डाल दीजिए और ऐसे पाउडर बना के डाल दीजिए। जो भी पाउडर डाल के बनाते हैं ना, वो बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर में आ जाता है। अब हम एक बाउल में डाल दिया था करी पत्ता का पाउडर और उसमें डालते हैं कोकोनट ऑयल। आप जो ऑयल डालना चाहते हो वो ऑयल डाल के भी बना सकते हो। मैं तो इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जो भी करी पत्ता का पाउडर है ना, वो सारा डूब जाने तक अच्छे से ऑयल डाल दीजिए। अब इसको कम आंच पे अच्छे से पका लीजिए। 1-5 मिनट के अंदर ही अच्छे से पक जाता है। जो भी करी पत्ता में जो नमी होता है ना, वो सारा चल जाता है और हमारा ऑयल भी अच्छे से प्यारे से ग्रीन कलर में आ जाता है। जब हमारा ऑयल रेडी हो जाता है, हमारा ऑयल प्यारा सा ग्रीन कलर में आ गया है। इसे ठंडा होने के बाद एक झन्नी में डाल के छान लीजिए। आपके हेयर फॉल रोकने में, हेयर लॉन्ग करने में ये ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस करी पत्ते का ऑयल को आप ज़्यादा मात्रा में भी बनाकर आप आराम से 6 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हो। हम बाहर मार्केट में जो आंवला ऑयल वो ख़रीदते हैं ना, उसका कलर भी यही होता है, लेकिन हमारे तो कोई भी एडेड कलर्स नहीं है। ये तो नेचुरल है, करी पत्ता का कलर ही ऑयल में आ गया है। बहुत सारे लोगों को बहुत ही ऑयल्स ट्राई करने के बाद भी हेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है, लेकिन ये ऑयल ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है और बनाना भी बहुत ईजी है। 1-5 मिनट में हमारा ऑयल बन के रेडी हो गया है। ये करी पत्ता हमारे हेयर को नेचुरल ब्लैक कलर भी देता है। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर हो तो उसको भी हटाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। मार्केट में तो बहुत खरीद वाले ऑयल्स हमें खरीदते हो तो उसमें क्या होता है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम खुद अपने हाथों से बनाने से ये तो 100% नेचुरल होता है, प्योर होता है और हर्बल होता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है हमारे ऑयल को। ये ऑयल स्प्लिट एंड्स को निकाल देता है, हेयर को भी पोषण देता है, आपका स्कैल्प को भी पोषण देता है। इससे हमारे हेयर हेल्दी से लॉन्ग से बढ़ने लगते हैं। इस ऑयल को गर्म करने की वजह से थोड़ा स्मेल अच्छा नहीं होता है। आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो थोड़ा अच्छे से स्मेल के लिए लैवेंडर एसेंशियल ऑयल है ये डाल सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप कपूर डाल दीजिए। कपूर भी स्कैल्प को ठंडक देता है, अच्छे से खुशबू देता है, या नहीं तो ऐसे ही लगा सकते हो आप। रात में अच्छे से मसाज करते हुए आपके हेयर को अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। अब दूसरा बनाते हैं, हेयर पैक बनाते हैं। इसके लिए एक मिक्सी जार लीजिए और उसमें डालते हैं थोड़ा सा करी पत्ता और बाद में दही डाल के इसे अच्छे से पेस्ट जैसे बनाना है। अगर आप चाहे तो मेथी दाना जो भिगो के बनाते हैं ना, उसमें भी करी पत्ता डाल के पेस्ट बना के भी लगा सकते हो, या नहीं तो सिंपल से ऐसे भी बना सकते हो। जैसे भी यूज़ कीजिए करी पत्ता, आपके हेयर पे यूज़ कीजिए।
इस पेस्ट को स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। स्कैल्प पे, हेयर पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद 1 घंटा या नहीं तो 2 घंटे छोड़ के बाद में आप शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के बाद आपको एक टॉनिक अप्लाई करना है। ये वाला टॉनिक भी हम करी पत्ता से ही बनाएंगे। अब लेते हैं एक मिक्सी जार, उसमें डालते हैं करी पत्ता और थोड़ा सा वाटर। थोड़े से वाटर डाल के मिक्सी में अच्छे से घुमा के इसका जूस निकाल लेंगे। यही होता है हमारा टॉनिक। वीकली ट्वाइस इसे फॉलो कीजिए। रात में आप आराम से इस करी पत्ता का ऑयल को अच्छे से अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए। दूसरे दिन आप वो दही और करी पत्ता वाला पैक लगाइए, बाद में आप शैम्पू कर लीजिए, बाद में इस टॉनिक को अप्लाई कीजिए। इसे छान के एक बॉटल में, आप स्प्रे बॉटल में निकाल लीजिए, क्योंकि आपको अप्लाई करने में बहुत ही ईजी होगा। ऐसे ही सारे स्कैल्प पे अच्छे से इस टॉनिक को अप्लाई कीजिए। इस टॉनिक को अप्लाई करने के बाद आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको अजीब सा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। इस टॉनिक को अप्लाई करने के बाद धोना नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। वीकली ट्वाइस ये मेथड फॉलो कीजिए, आपके हेयर अच्छे से बढ़ने लगेंगे, नेचुरल ब्लैक कलर में आएंगे और लॉन्ग होंगे। पहले ऑयल, बाद में हेयर पैक, बाद में टॉनिक, ये 3 चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके भी बताइए। फ्रेंड्स, हेयर लॉन्ग करने के लिए करी पत्ता बहुत ही अच्छा काम करता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।